मैं निवेदन करूंगा मुनि जी, कालवा से आया मुनि जी, कालवा जो कि आर्य बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है, आचार्य बलदेव जी की तपोभूमि कर्म भूमि रही है, और वहां पर इस समय जो आर्ष गुरुकुल चल रहा है आचार्य राजेंद्र जी की देखरेख में चल रहा है, और मुनि जी वही सेवा का कार्य करते हैं और बड़ा सहयोग हमें मिलता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। पिछले कल कल से यहीं पे हैं और पूरे कार्यक्रम का वो ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मुनि जी को वहां जाना था राजगढ़ हिमाचल, क्यावन कुटिया यज थे स्वामी जी वहां पे, लेकिन मुनि जी ने घरोंडा को चुना कि नहीं मैं हिमाचल नहीं जाऊंगा, मैं घरोंडा रुकूंगा। एक बार जोरदार तालियों से मुनि जी का स्वागत, और मैं निवेदन करूंगा मुनि जी से अपने दो मिनट के जो विचार थे। एक बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे, सभी का नाम न लेते हैं तो सभी को सादर नमस्ते जी बोलो, सभी नमस्ते बोलो, सभी बोलो नमस्ते। तो सबसे पहले ये ओम का शब्द है जो सभी ने पता होगा कि उस परम पिता परमात्मा का नाम निज नाम ओम है, तो ओम का उच्चारण कराया करो, और उस परम पिता परमात्मा का दोनों समय क्रांतिकारी जी ने बताया कि संध्या करनी चाहिए, आचार्य जी बलदेव जी का दोनों समय संध्या करो, दोनों समय हवन करो, नहीं तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो उस परम पिता परमात्मा का हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का है, परमात्मा का, उसका धन्यवाद बार बार करना चाहिए, दिन में भी काम करते समय भी ओम का उच्चारण करना चाहिए, उससे बहुत ताकत मिलेगी। हम किसी का धन्यवाद, हम परमात्मा का ध्यान करें तो वो परमात्मा हमारा ध्यान जरूर करेगा। तो ये परमात्मा की बात होगी। दूसरी बात है हवन करना चाहिए, प्रत्येक इंसान का हवन करें दोनों समय संध्या करें। हवन क्यों करें, इसलिए जरूरी है कि शरीर में मलमूत्र बहुत गंद भरा है, तो इससे गंद छूटता है तो हवन से सब समाप्त हो जाता है, तो हवन इसलिए जरूरी करना चाहिए। तीसरी बात है हमें अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए, धन कमाण पर लग रहे हैं सब, धन ही काम आएगा, सबसे संपत्ति है अपना बच्चा, बच्चा का 24 घंटे बच्चे ऊपर ध्यान देना चाहिए, बच्चा कहाँ है क्या कर रहा है, तो ये बच्चे का विषय तीसरा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इन खान पान पर सब सारी चीज़ों का कहने का मतलब थोड़ा कया गया है, तो एक पत्थर पूजा व भजन है ध्यान से सुनोगे। एक आर्य समाज की लड़की थी, वो पुरानी ब्याह शादी कर दी उसकी, तो ये माताएं हैं ये कहती हैं कि बेटी चलो मंदिर पूजन चला गए, वो समझदार लड़की थी कि आज ये मना करेगी तो घर में कलेश होगा रोना होगा, तो असमझदारी बोला चलो माता जी, और माताएं बुला ली उस पड़ोस गीत गाने चली गई, ये गेट पर पहरेदार बना देते हैं, वह तो समझदार लड़की थी पता जान के पूछ रही, वो घोषणा लागी उड़ो बोला माता जी के करी है, बोला पहरेदार खड़े इनको पूछ तो ले, बोला कुछ नहीं बैठी है तो मैं ठीक है कुछ नहीं कहती, तो आगे गए हनुमान खड़ा का दाले उड़ो उड़ लागी, बोला माता जी पूछ तो ले हनुमान का दाले खड़ा, बोला कुछ नहीं कही तो माटी का ही कुछ नहीं करता। फिर आगे वो शेरा वाली थी भीतर मंदिर में, मुँह भाई खड़ी उसका गणे हाथ से उड़ो जानी है माता जी के करी खाओगी, बोला कुछ नहीं बैठिया तो मार मीठी गया कुछ नहीं करती, तो फिर कुछ कर दिए निकाले क्यों पाखड़ करी है, तो उस पर छोटा भजन है ध्यान से सुनेंगे। हिम पत्थर पूजा ना करूं मेरा ईश्वर मैं विश्वास मैं आर्यों की लाड, हिम पत्थर पूजा ना करूं मेरा ईश्वर मैं विश्वास मैं आर्यों की लाड, गुर कुल से पढ़ के आ रही मधु, कुल से पढ़ के आ रही मन किया आचार्य पास मैं आर्यों की लाडली पत्थर पूजा ना करूं मेरा ईश्वर लाडली।
सुंदर भजन मुनि जी ने प्रस्तुत किया कि एक जो नई नई घर में बहू आई थी, किस तरह से उसने पाखंड का को लेकर परिवार को जागरूक किया कि मेरे तो देवी देवता मेरे सास ससुर ही है। और मैं आशा करता हूँ आपने मुनि जी की बात को सुना, उसको ग्रहण करेंगे।